ऑल राइट गाइज, तो अभी हमारा डिनर वगैरह हो गया, अभी हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले रूम पर, वहीं पर हम अपना वीडियो एडिट करेंगे। और एक्चुअली हमारा एक वेबसाइट भी है, उस पर भी हमें पोस्ट डालना है, तो हम पोस्ट भी डालेंगे। तो फटाफट से पहले चलिए उस रूम पर चलते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कई बारी मेरे साथ हुआ है ना कि मैं जैसे आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ और सामने वाला हाई बीम पे चला रहा है गाड़ी, तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं भी डीपर वाला बटन दबाए रखता हूँ, हाई बीम पे कर लेता हूँ गाड़ी। जब हाई बीम पे लगातार रहूंगा ना, एक बार डाउन करके और फिर एक बार हाई बीम पे लगा दूंगा ना, तो वो समझ जाएगा कि चमक रहा है, मेरे को भी कुछ दिख नहीं रहा। तो काम करो, लो बीम करो, क्या पता ये भी कर दे। लो बीम कर देता है, जैसे ही वो लो बीम करता है मैं भी लो बीम कर देता हूँ। मतलब इशारे इशारे में बातें हो जाती है कि नीचे कर, लाइट नीचे। ये गाइस अभी आप रात का देख रहे हो सीन, हमारे रेनूगुट का किरोड़ा से रेनूगुट आ गए अपने दूसरे वाले रूम पर रहने, घर पे रहने। हमारा दूसरा रूम, दूसरा घर, वहां पर आए हैं, हमारा ऑफिस है जो ऑफिस यूज करते हैं हम लोग उसे। और जैसे फैमिली में मेंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं तब भी बढ़िया रहता है हमारे लिए, एज अ गेस्ट हाउस काम करता है, आउट हाउस गेस्ट हाउस कह लीजिए काम करता है। ऑल राइट गाइज, तो वीडियो एडिट कर रहा था ना, तो मेरे सामने एक वीडियो आ गई, सामने मेरे ही वीडियो बन के मतलब सामने आ गई थी, वो है त्रिवेणी घाट की। आप सभी को पता है मैंने हरिद्वार ट्रिप किया था, तो हरिद्वार ट्रिप में मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी जगहों पर घूम घूम करके पूरा ट्रिप हमने कवर किया था, घूमा था, मज़ा बहुत इंजॉय किया था। उसमें जो मेरा सबसे मेमोरेबल था, सबसे बढ़िया जो ट्रिप मुझे सबसे बढ़िया जो लगा, वैसे तो सभी जगह ही बढ़िया थी, क्योंकि चंडी माता, फिर माँ मनसा देवी का मंदिर, फिर हरि की पौड़ी, ये सब बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा अभी हमारा एक चीज़ बहुत मिसिंग था, बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा, वो था त्रिवेणी घाट की गंगा आरती। मैं बाय गॉड लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मुझे आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और इसी तरीके से मुझे बनारस में भी मज़ा आता है, बनारस की भी गंगा आरती में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगा, चिंता ना करिए, अभी मैं बस पहुंच ही रहा हूँ बनारस। लेकिन मैं वो वीडियो देखा तो मैंने कहा एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ सभी लोग उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो मेरा ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो किसी को वो वीडियो नहीं दिखी, तो मैंने कहा चलो यार वो वीडियो फिर से एक बार लाते हैं इस व्लॉग में और आपको दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले वो वीडियो देखिए, मात्र 3 मिनट की वीडियो है। उस 3 मिनट की वीडियो में देखिए कितने अच्छे गूज बम्स आ रहे हैं, कितनी पॉजिटिवनेस आ रही है, तो पहले वो वीडियो देखिए। Oh.
कहते हैं ना गाइस कि ठंडियों में जब पैर गर्म हो जाता है तो नींद आने लगती है। अब मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है, अभी सोते हैं यार, सुबह की सुबह देखा जाएगा। और ये सबसे आज का आलसी व्लॉग था, बहुत ही आलस तरीके से मैं मतलब कर गया। तो इस आलसी व्लॉगर को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर एंड नहीं होगा, मॉर्निंग में चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा और भी व्लॉग को मतलब बनाता चलूं, इतनी जल्दी नहीं बंद करने वाला भाई। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट, है ना, थैंक्स फॉर। साहब ये अचानक से एकदम से कोहरा आ गया यार, कल तो नहीं था। वाह, नैनीताल आ गए यहाँ पे भाई, जैसे लग रहा नैनीताल में आ गए हम लोग। ओह गजब, बढ़िया आया है, एकदम बढ़िया फॉग आया है, कमाल है। दिख नहीं रहा है भाई, आगे आगे कहीं ब्रेकर टाइप का है, 10 मीटर का है कुछ, 10 मीटर तक क्लियर दिख रहा है, इसके बाद का थोड़ा। अच्छा बस कोहरा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा नहीं है।